तो दोस्तों आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ऐसी टीम है जो रिकॉर्ड बनाने में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन पूरे 13 साल बीत चुके हैं वो अभी तक एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं जीता। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से राहुल द्रविड़ से लेकर जैक कैली तक, वहीं केवन पीटरसन से लेकर वसीम जाफर जैसे बड़े खिलाड़ी इस टीम की तरफ से खेल चुके हैं। वहीं रॉबिन उथप्पा, जैक कैलिस और क्रिस गेल जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस टीम की तरफ से खेल चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में इन 13 सालों में क्या क्या चेंजेस हुआ, तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आइए चलो सबसे पहले देखते हैं आरसीबी की 2008 के फर्स्ट मैच के प्लेइंग 11, जहां राहुल द्रविड़, वसीम जाफर, विराट कोहली, जैक कैलिस, कैमरन व्हाइट और बाउचर जैसे खिलाड़ी शुमार थे पहले मैच में। वहीं राहुल द्रविड़ जो कैप्टन थे, वसीम जाफर जो अब किंग्स इलेवन पंजाब के कोच बन चुके हैं वो भी पहले मैच में खेलते हुए हमको दिखे थे। विराट कोहली जो बालचंद्र, अखिल, आशिले, नोफर, प्रवीण कुमार जो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, जहीर खान जो रिटायर हो चुके हैं, सुनील जोशी भी इस टीम की तरफ से खेल चुके हैं और प्रवीण कुमार जो काफ़ी सालों से आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे लेकिन अब वो रिटायरमेंट ले लिए। लगभग पूरे पहले मैच की प्लेइंग 11 में लगभग सभी खिलाड़ी ऑलरेडी रिटायर ले चुके हैं, सिर्फ विराट कोहली अभी आरसीबी के कैप्टन है, जो 2011 से लेकर 2021 के सीजन भी आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब तक कई बार अपनी टीम के लोगो भी चेंज कर चुके हैं, जो कि जैसा आप डिस्प्ले पे देख पा रहेंगे पहले कैसे लोगो था और अब कैसे इसका लोगो है। वहीं इसकी जर्सी भी कई बार चेंज हो चुकी है, रेड से ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक रेड, और अब तो ये दो जर्सी में खेलती हुई हमको दिखती है जो कि एक ग्रीन और एक रेड कलर में, लेकिन मात्र एक मैच में ग्रीनरी जर्सी पहनते हुए हमको दोपहर के मैच में दिखाई देती है टीम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक ऐसी टीम है जिस टीम की तरफ से बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं, केवन पीटरसन, जैक कैलिस, रॉबिन उथप्पा, प्रवीण कुमार और क्रिस गेल जैसे बड़े खिलाड़ी इस टीम की तरफ से खेल चुके हैं। वहीं राहुल द्रविड़ भी जो पहले मैच के कैप्टन थे, अनिल कुंबली भी कैप्टनसी कर चुके हैं, वो एक बार इस टीम को फाइनल तक भी पहुंचा चुके हैं। तो इतने बड़े बड़े चेंजेस इस टीम की तरफ से आ चुके हैं। तो वहीं इस टीम में अब एक नई जोड़ी पारी बन चुकी है जो कि प्लेइंग 11 आईपीएल 2021 की, इसमें मैक्सवेल से लेके एबी डिविलियर से लेके देवदत्त पडिक्कल तक और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इस टीम में शुमार हैं। ऐसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बड़े से बड़े प्लेयर्स इंडियन टीम को दिए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम केएल राहुल का आ रहा है, विराट कोहली का। केएल राहुल जब नंबर 2 T20 बैट्समैन में शुमार है तो वह विराट कोहली अभी इंडियन टीम की कैप्टनसी करते हुए हमको नजर आते हैं। वही युजवेंद्र चहल जैसे बड़े खिलाड़ी भी शुमार है। तो दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है आरसीबी में और क्या चेंजेस होना चाहिए तो आईपीएल की ट्रॉफी 2021 के सीजन में जीत सके, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।